आई नीड ब्रेकअप। पर क्यों? मैं चश्मा लगाती हूँ। हाँ तो जब तुमने प्रपोज करा था तो लगाना भूल गई थी। बेबी मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, तुम्हारा एटीएम कार्ड दो ना। बेबी मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने कहाँ रखा है। अच्छा आप बताओ कहाँ है? काले वाले चड्डे में। बेबी सुनो, मैं बहुत टाइम से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। मैं तुम्हारे साथ ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ हम दोनों के सिवा कोई ना हो। मुझे समझ नहीं आता मेरे सारे फ्रेंड यही बात क्यों बोलते हैं। अरे दोस्त और बीबी ने गुटखा खा दिया है। हाँ, लेकिन तुरा कैसे बता रहे? पहले चुम्मा लिया ना तो हमारे मुंह में गुटखा आ गया। ये कौन है? मैंने इसे कहीं देखा है। यही तो लौंडिया बाज है। मजा आ गया ना बहन जी। वाह यार भैया, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा पताशे में कौन सा मसाला डालते हो जो इतने टेस्टी लगते हैं। हाँ भैया बताओ। अरे देखिए बहन जी, ज्यादा कुछ नहीं डालते, बस थोड़ा सा आप लोगों का प्यार है, थोड़ा सा हम लोग मसाला डाल देते हैं और बाकी तो हमारे खून पसीने की मेहनत है। क्या हुआ यार? आज कट गया मेरा। क्या तेरा ब्याज कट गया? ओए होए होए होए। और चूतिए इतना खुश मत हो, चालान कट गया है मेरा। क्या आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको कंट्रोल करती है? बेबी इनसे बोलो नहीं। बोलिए। इनसे बोलो नहीं। नहीं। कितने हुए? 500 रुपए मैडम। क्या भैया खूबसूरत लड़कियों के लिए कोई डिस्काउंट नहीं है क्या? अरे है ना मैडम, किसी बात कर रही हो? अब बताओ कितने हुए? 500। बयान भाई तुम्हारे अंदर शेरों वाली बात है, जंगल के राजा हो तुम, शेरों वाली बात है तुम्हारे अंदर। हाँ ये बात तो है। मेरी ये समझ में नहीं आ रही है, शेर तुम्हारे घर आया था या अम्मी जंगल गई थी? मैं सोचा तारीफ कर दिया यार, तू ये बदतमीजी में मत उतरेगा। शेरों वाली बात अभी तो आई है जब कुछ हुआ था। आयशा मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि ये फगली फगली क्या है। तुम आजकल बहुत घर में घुसा हुए रह रहे हो अपने, बहू के दामन पे लिपटे हुए मत रहो, कमाई करो, पैसा कमाओगे तभी इज्जत होगी। हाँ यार सही कह रहा हूँ, जाऊंगा आप कमाने। अबे तू क्यों भलाई कर रहा है, मत कमान दे साले को पैसा, रहने दे घर में ही। अरे यार बात पैसे की ना है, इसकी वो वन टा बिल है, मिलने कैसे जाऊँ, साला घर में ही पड़ा रहा है। घर से निकलेगा तभी तो मिलने जाऊंगा। कमाई पे ध्यान दो, कमाई पे। कमाई पे कमाई। कहते हैं खूबसूरत लोगों को देखने से उम्र बढ़ती है, पता नहीं आप लोगों के पास मेरा फोटो है या नहीं। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई जिस्म जैसे। कौन है ये भाई? ये मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रही है, समझाऊं यार इसको? क्या प्रॉब्लम है तेरी? क्या है तुम्हारे पास जो मैं शादी के लिए हाँ कर दूं? अबे 5-5 BMW 10-10 मर्सिडीज करोड़ों की प्रॉपर्टी है मेरी। ठीक है मैं रेडी हूँ। अबे भाई तुझसे नहीं तेरे भाई से। इतने शानदार विचार रखते हैं। हाय हाय। नाइस कार। हाँ अच्छी है। कभी मेरे साथ घूमने चलोगी? हाँ बिल्कुल आओ। झूठे, मुझे लगा ये कार तुम्हारी है। पर मैंने कब बोला कार मेरी है? लड़कियों को प्यार चाहिए होता है, आंटियों को रिस्पेक्ट। अच्छा और तुम्हें क्या चाहिए? दोनों। ओके प्यार और रिस्पेक्ट दोनों। नहीं लड़की भी और आंटी भी। अबे यार तू मेरा दोस्त है। क्यों बे, कितने दिनों का है, मेरे पैसे कब देगा? चल दे मेरे पैसे। अरे भाई साहब थोड़ा तमीज से बात कीजिए। अरे तू हट जा साइड में और तमीज की बना ले पुंगी और डाल ले अपने अंदर। चल बे मेरे पैसे दे। भाई पैसे तो नहीं है यार। और बिजी है? हाँ बोल। इतना लेट आई क्या कर रही थी? तेरी तरह 20 लोग और है उनको रिप्लाई कर रही थी। तुझे पता है तेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है? मुझे तो पहले से ही पता है। तुझे किसे पता है? उसने उसके बायो में लिख के रखा है एनिमल लवर्स।
सुबह से तुम्हें व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही हूँ, ब्लूटूथ क्यों नहीं लगा रहा है? अरे बेबी, वो मेरे व्हाट्सएप की इंक खत्म हो गई है। अच्छा। औकात से बाहर, औकात से बाहर, ये भी औकात से बाहर। चलो बाहर। एक्सक्यूज मी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू नहीं, नहीं चलो ये चलते, चल चल। अरे जावेद भाई, अपने किसी रिश्तेदार पे या किसी दोस्त पे थार है? थार तो हैगी हाँ, हमारे एक दोस्त पे। बताओ क्या काम है? यार मंगवाइयो जरा, मुझे एक काम है, जरा मंगवाओ फटाफट अभी। कहाँ जाओगे भाई? अरे जाऊंगा कहीं नहीं, उसके आगे खड़ा होना है, एक फोटो क्लिक कराना, स्टेटस लगाऊंगा कि माय न्यू टॉय। चले खुद के सबको बताया, तेरी है ही ना, घर आके कौन पूछ गया तेरी है क्या ना है, कमेंट में ही कह दे आदमी, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसी चल लिया उसकी गाड़ी हो, वो तो घर बैठे हैं, पराई लोगी लगा लेते हैं। आगे छोड़ दो भैया, ज्यादा आगे नहीं छोड़ पाऊंगा। क्यों? मेरी गर्लफ्रेंड वेट कर रही ना। अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं, वहां तक छोड़ दो मेरे को, है ना। हाँ। वैसे कहाँ जाना हो रहा है? नाइट आउट है भाई, नाइट आउट गर्लफ्रेंड के साथ। क्या बात है भाई। वैसे कौन सी इस होटल में जा रहे हो क्या तुम? हाँ यही वाली। अरे नहीं नहीं यार, ये होटल अच्छी नहीं है, उसके आगे वाली जो होटल है ना। हाँ? एक नंबर बेड है उसका, मजा आ जाएगा तुमको। क्या बात कर रहा। वैसे कितना टाइम हुआ रिलेशन को? यही कोई तीन चार दिन हुए होंगे अभी तो। तीन चार दिन ये पट्टे मतलब तीन। बस भाई इससे आगे नहीं जा पाऊंगा, मेरी गर्लफ्रेंड वो खड़ी हुई, और आपने जो होटल बताई ना वहीं जाऊंगा। अरे हाँ हाँ वहीं जाना, मैं भी वहीं जाता हूँ, मजा आ जाएगा। भैया छुटके तू, यार सुनना, रात में मैं अपने बॉयफ्रेंड को गुड नाइट किस देती हूँ ना, तो वो नाराज हो जाता है। यार गुड नाइट किस देने में बॉयफ्रेंड क्यों नाराज हो जाते हैं? अरे बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा पति नाराज हो जाता है। और ये मेरी भी सो की चाल। और ये तुम्हारा भाई ने दिया 500। ओ भाई देख पुलिस। क्यों रे जुआ खेल रहे हो? अबे तू कहाँ भाग रहा है? अरे साहब गाड़ी में बैठने जा रहा हूँ। तेरे को बोला मैंने गाड़ी में बैठने को? अरे साहब पिछली बार भी आपने आखिरी में बिठाया था, जगह नहीं थी तो खड़ा खड़ा गया था। दो साहब भाभी जी को बोला खोल कर रखने के लिए। कौन से दरवाजा? हैप्पी बर्थडे विश करने आएंगे 12 बजे। चले भैया। कल एक छोरी को फोन आया, नू बोल रही हिंदी में बात करने के लिए एक दबाए। यार अब मैं तेरी डिमांड पूरी नहीं कर सकता। तो अब तो मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तेरी डिमांड पूरी करते करते ना मेरा घर भी बिक जाएगा। ओके बाय। चल बाय। ऐसा क्या हो गया, तूने उससे ब्रेकअप क्यों कर लिया? अरे भाई उसकी डिमांड पूरी करते करते थक गया हूँ। क्यों भाई, ऐसा क्या मांग लिया उसने? भाई उसने बोला कार दिला दो, मैंने कार दिला दी, अब क्या बोल रही है कि कार में पेट्रोल भी डलवा दो। सुनो आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज, पहले कौन सी सुनाऊं? कोई भी सुना दे। मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। अच्छा और बैड न्यूज? यार तो दिल का बहुत अच्छा है। थैंक यू। और शकल का? तो दिल का बहुत अच्छा है। और शकल? तो दिल का बहुत अच्छा है। चेहरा क्या देखते हो? दोस्त आज हम एक लड़की से मिले थे, वो तुम्हारे बारे में कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? अब बोल रही थी कि तुम्हारे दोस्त एक नंबर के दुगला है। तो भैया इन दोनों की शादी हो रही है, अभी भी अगर किसी को दिक्कत है तो अभी आकर बोल दे, बाद में मत बोलना। मुझे पहले से ही पता था तुम्हारा किसी ना किसी से अफेयर चल रहा। एक मिनट मैं पूछता हूँ, अब ऐसा क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे क्यों है? वो पीछे सुनाई नहीं दे रहा था मेरे को। क्यों?
सुनो, अगर मैं तुमको अभी किस कर दूं, तो तुम मुझसे मिलने कहां पर आओगी? मेरे घर पे या ओयो में? पुलिस स्टेशन पे।